जैसे कि अगर किसी के शरीर के स्किन पर सफ़ेद दाग या फिर वेटेलिगो की समस्या है तो इस समस्या में इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है। आपने देखा होगा जब किसी के शरीर में सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है तब उसके शरीर का जो त्वचा यानी जो स्किन है वो दूध के रंग के जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा अगर किसी के चेहरे पर सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है तो उसके चेहरे के पर्टिकुलर एरिया पर एकदम वाइट वाइट हो जाता है, चेहरा एकदम दूध के जैसा हो जाता है और जो सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है ये बढ़ता रहता है कंटिन्यू। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर आप इलाज या दवा नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से आपके पूरे चेहरे पर भी ये हो जाता है। और जैसे कि सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम आपके हाथों में हो सकता है, आपके ओठ के साइड में हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर उनका जो स्किन है यानी जो उनका ओठ का स्किन है वहाँ पर भी आपको सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। और जैसे कि जो हाथों की उंगलियां हैं उंगल नाह के साइड में नाखून के साइड में यहाँ पर भी सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, चेहरे पर हो जाता है, कान के साइड में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों के साइड में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है, गाल पे हो जाता है, पीठ पर समस्या हो जाता है, पैरों में हो जाता है, मांसपेशियों के साइड में भी आपने देखा होगा पैरों के वहाँ पर भी सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी बॉडी पर अगर कहीं पर भी आपके शरीर में सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम है तो इस समस्या को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आपके शरीर में किस प्रकार की सफ़ेद दाग यानी वेटेलिगो की समस्या रहे तब आप ये ऑयल यानी ये तेल आप अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तेल और किस प्रकार के चर्म रोग की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये तेल बॉडी पर लगाने के लिए दिया जाता है या फिर किस प्रकार के चर्म रोग की समस्या रहे तब आप ये तेल आप अपने बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी के शरीर पर कहीं पर बॉडी में पूरे बॉडी में कहीं पर अगर सफ़ेद दाग की समस्या हो जाता है जिसे वेटिलिगो कहते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है, आपने देखा होगा उसके शरीर में वाइट वाइट चकत्थे से हो जाते हैं, जैसे कि वो पहले छोटा रहता है। अगर आप कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा नहीं लेंगे या फिर कोई भी क्रीम कोई भी लोशन आप अप्लाई नहीं करते हैं तो वो क्या होता है जो सफ़ेद दाग की समस्या रहता है ये कंटिन्यू बढ़ता रहता है और ये एक जगह से फिर दूसरी जगह भी निकलने की समस्या होता रहता है, यानी एक प्रकार से ये बढ़ता रहता है। यह एक चरम रोग होता है जो आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चरम रोग एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी जल्दी ठीक नहीं होता है, अगर आप मेडिसिन या दवा नहीं लेते हैं तो ये आपके पूरे शरीर में हो जाता है। चरम रोग ये आपके ओठ के साइड में हो सकता है, आपके कान पे हो सकता है, आपके आँखों के नीचे हो सकता है, आपके पीठ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, आपके जांघों के साइड में हो सकता है, आपके पैरों के उंगलियों के भी बीच में ये समस्या देखा गया है, आपके आँखों के जो ये बरौनी होता है उसमें भी आँखों के साइड में भी ये समस्या हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पूरे शरीर में कहीं पर आपके शरीर में सफ़ेद दाग की समस्या रहे तब आप उस समस्या में ये तेल यानी ये ऑयल आप अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तेल आपको अपने पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई करना है, शरीर में जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग की समस्या है वहाँ पर ये तेल आपको लगाना है। ये तेल आपको एक दिन में 3 से 4 बार आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं। ये तेल काफ़ी अच्छा तेल होता है, ये तेल डॉक्टर के द्वारा सफ़ेद दाग की समस्या में काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता जैसे है। जैसे कि अगर आपके शरीर में यानी पूरे शरीर में कहीं पर किसी भी प्रकार से अगर सफ़ेद दाग की समस्या है यानी वेटिलिगो की समस्या है वहाँ पर आप ये तेल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये तेल आपको दिन में 2 से 3 बार लगाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये तेल आप जब भी आप अपने स्किन पर लगाएं तब आपको कोई दूसरा तेल आप अपने स्किन पर अप्लाई ना करें, ये डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये तेल काफ़ी अच्छा तेल होता है, डॉक्टर के द्वारा ये तेल काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है वेटिलिगो की समस्या में वेटिलिगो की समस्या यानी सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है।